कैसे चमचमा रहे हैं, और इनकी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इवन देखिए, एज इफ ये कैमरा में ही देख रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब इनका जो मेकओवर है वो कंप्लीट हो गया है। श्री राधे हरे कृष्णा। सो फाइनली द मोस्ट वेटेड वीडियो इज हियर फॉर यू। कि सभी कान्हा जी का श्रृंगार कैसे होता है, मैंने यूजुअली सिंगल सिंगल एज अ शॉर्ट में शेयर किया है या फिर वीडियोस के थ्रू शेयर किया है, लॉन्ग वीडियोस के थ्रू, लेकिन हमेशा सिंगल कान्हा जी का। लेकिन इस बार फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड मैं शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा टू सी द कम्प्लीट प्रोसीजर। सो फर्स्टली अब ये कान्हा जी आकर ही बैठे और इन पर टैग लगा हुआ है, इसके बाद इनकी क्लीनिंग होगी अच्छे से सभी बैठे हुए। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे चमचमा रहे हैं, और इनकी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इवन के बाद भी अब ये क्लीनिंग हो चुकी है, अब इसके बाद मैं इनको स्नान करवाऊँगी। और लुक वार्म वाटर से हमेशा प्रेफर करती हूँ स्नान करवाना, क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है और जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तब थोड़ी सी और ठंड थी। तो यहाँ पर मैं अष्टगन लिक्विड ले रही हूँ और उससे अच्छे से रब करके मैं इन सभी को स्नान करवाऊँगी। वन बाय वन स्नान करवाएंगे। और इससे पहले जब इनकी क्लीनिंग होती है तब मैं इनको बोल देती हूँ कि कान्हा जी आप अपने विघ्ने में से बाहर आ जाइए, खेलिए कूदिए, या कृष्णो मेनो मोहन श्याम श्यामा में अगर समाहित होकर विश्राम करना चाहते हैं तो विश्राम कर लीजिए। तो जैसी इनकी इच्छा होती है ये वैसा कर लेते हैं। और अब ऑलमोस्ट सभी का जो स्नान है वो हो गया है कंप्लीट। और ये देखिए वन बाय वन करके, वैसे मैंने रब करके अच्छे से दिखाया, क्योंकि अगर मैं सभी को रब कर करके क्लीन कर करके दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा, इवन एक घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो उतना तो कोई देखना प्रेफर भी नहीं करता है। तो कोशिश की है कि जितना हो सका उसको छोटे में वाइंड अप कर दूँ, बट स्टिल आप एंड तक देखिएगा कि कंप्लीशन के बाद सभी आपको पहचान में आते हैं या नहीं आते। स्पेशली वो लोग जिनके ये कान्हा जी हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो आगे बैठे थे या पीछे बैठे थे। तो अर्लियर भी मैंने शेयर किया है सिंगल कान्हा जी का वीडियो, सो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। प्लस वो वीडियो इम्पोर्टेंट है जिसमें मैंने बताया है कि मेकओवर के बाद कान्हा जी का ध्यान कैसे रखना है, उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। एंड ये जो मेकओवर है वो परमानेंट है या नहीं, उसका आंसर भी गिवन है इन अ वीडियो दैट यू कैन चेक आउट। अब इनका जो बेस कोट है वो हो गया है और सबके जो आईज़ है वो भी फिल की जा चुकी हैं। ये चुटकू बहुत शैतान थे तो इन्होंने आईज़ अपनी निकाल दी है। सो अभी हम वर्क कंटिन्यू करेंगे और जब आईज़ का वर्क होगा तभी उसको फिल कर देंगे, अदरवाइज़ ये साथ में जो सीक्वेंस में वर्क चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। तो अभी पहले जैसे मैं वर्क करती हूँ, पहले मैं तो बेस प्रिपेयर करती हूँ, बाकी कभी कभी बेस प्रिपेयर नहीं भी करती। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ना ही कोई प्रेफरेंस है ना ही कोई टेक्निक है, इट्स जस्ट कि ये जितना भी हमें सिखाया है वो कान्हा ने ही सिखाया है, कान्हा का ही खुलवाया हुआ है वर्क है ये, और उन्हीं का खुलवाया हुआ बिजनेस है, उन्हीं का खुलवाया हुआ चैनल है। तो बस टू ऑल द पीपल जो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपने कहाँ से ये वर्क सीखा है, सो हमने ये कहीं से नहीं सीखा है, ये सिर्फ हमें कान्हा ने सिखाया, हमारे चुटकू से लाला ने जो 2 साल पहले आए थे और ही चेंज्ड आवर लाइफ। सेकेंड थिंग, वो लोग जो पूछते हैं कि कान्हा जी के मेकओवर के लिए कोई कोर्स अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की स्टडीज़ हैं, कोर्सेज़ हैं, मेकओवर वर्क है, इंस्टाग्राम यूट्यूब तो ऑलरेडी काफ़ी वर्क है करने के लिए, एंड प्लस कोर्स, तो अभी सो सॉरी अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर अगर होगा तो ज़रूर मैं इन्फॉर्म करूँगी अपने चैनल पर ऑन द सेम ऑफकोर्स। एंड सेकेंड रीज़न, अभी तो कान्हा हमें ही डेली कुछ ना कुछ छोटा छोटा सिखा ही रहे हैं, तो अभी तो हम भी खुद को परफेक्ट नहीं मानते। तो यहाँ पर इनका जो मेकओवर का बेस वर्क है ऑलमोस्ट रेडी, और ये देखिए सभी कितने प्यारे, ऑलरेडी आंखें अभी नहीं बनी है, फेस नहीं बना है, बट स्टिल इतने क्यूट इतने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं इनका जो नेक पीस है वो कंप्लीट कर रही हूँ विथ रेड एंड ग्रीन स्टोन्स,
और सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट और कितने प्यार से भोले बन के, लेकिन जैसे इनका मेकओवर होता है ना, वैसे ये रेडी हो जाते हैं अपने घर जाने के लिए, वैसे ये कमर करके बैठ जाते हैं कि अब हमें अपने घर जाना है। सो, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस वीडियो को शेयर करने के लिए कि सभी का रिएक्शन क्या आएगा आफ्टर वॉचिंग द होल प्रोसेस, कि किस तरीके से जो वर्क है वो होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। एक बात कहना चाहूँगी टू ऑल द पीपल जो सेम वर्क करते हैं, सेम वर्क मीन्स उनके जिनकी स्ट्रीम हमसे सेम है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले हैं मेकओवर के लिए, हमें तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं कि कानन ने हमें ये वर्क सिखाया है। हमसे पहले भी मेकओवर आर्टिस्ट थे और हमारे साथ के भी हैं और हमारे आगे भी हैं, बहुत सारे हैं जो लड्डू गोपाल जी का मेकओवर करते हैं, अपने डिफरेंट स्टाइल में करते हैं, कुछ बिगिनर्स भी हैं। बट वो लोग जो बिल्कुल सेम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इन द सेंस, देखिए सीखना बुरा नहीं है, आप वीडियो देखिए, इट्स नाइस कि आप वीडियो देखकर सीख रहे हैं और इट्स अ प्लेजर कि कान्हा ने हमें इस लायक बनाया कि हमारी वीडियोस देखकर कोई सीख पा रहा है। बट डूइंग द सेम वर्क, इट मीन्स कि यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी, प्लस यू आर प्रेजेंटिंग आवर वर्क ऑन योर प्रोफाइल, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस आप ही का है, जिसमें आपको एज एन आर्टिस्ट कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सम पीपल वुड कमेंट दैट आई एम बीइंग रूड एंड प्राउड, बट फ्यू जिन्हें समझ में आ रहा है वो शायद ऐसा ना करें, बिकॉज इट्स गुड टू बी इंस्पायर्ड। अच्छी बात है कि आप इंस्पायर हो रहे हैं, बट अब्सॉर्ब द वे नॉट द डिज़ाइंस, because it was a time when we have also been inspired by someone, but as the time passed we have developed our own style by the grace of our Kana, of course, and there are many more artists in our stream who have their unique style to present their work, and it's amazing. Even hum unki profile par ja ke appreciate karte hain, comment karte hain, acha lagta hai different dekhna, aur different dekhna and absorb karna again the way, not the design. So please don't do it. ये आप ही का लॉस है। और यहाँ पर इनका जो आई वर्क है वो हो रहा है, लेंस वर्क कम्प्लीट हो चुका है, प्यारे लग रहे हैं। तो जब ये अपना आई लाइनर लगवा रहे होते हैं तब ये इतने शांत होकर लगवाते हैं, ये देखिए एज इफ ये कैमरा में ही देख रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब इनका जो मेकओवर है वो कंप्लीट हो गया है और दिस इज द फाइनल लुक। तो ये वाले कान्हा जी का मेकओवर कंप्लीट हो गया है। मैं वन बाय वन सभी का रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, और अगर रिकॉर्ड करती भी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, बट स्टिल आई ट्राइड कि जितना हो सके सभी का मैं रिकॉर्ड करूं। और यहाँ पर ये बनवा रहे हैं अपना ग्रीन लेंस, बट इन्होंने ग्रीन बनवाया था पहले, इन्होंने ग्रीन बनवाया अपनी मर्जी से, बट सडनली जैसे ही नहीं याद आया कि जो इनकी सेवा करती हैं उनको इनका लेंस ब्लू चाहिए था, तो उन्होंने सडनली स्किप करवा लिया। आप जब फाइनल देखेंगे तो इनका जो लेंस है वो ब्लू है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन हो रहा है, आईब्रो बनवा रही है हमारी प्यारी महारानी ठकुरानी राधा रानी। ये देखिए कितने प्यार से देख रही हैं और बहुत सुंदर लग रही थी। सो यहाँ पर सभी कान्हा जी का जो मेकओवर है वो कंप्लीट हो गया है और सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप सभी भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा और आप सब रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, इसीलिए मैंने वीडियो के एंड सेक्शन में, अभी ये एंड नहीं हुआ है, इसके एंड सेक्शन में मैंने सभी के बिफोर आफ्टर्स शेयर किए हैं, जिसे देखकर आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि इनका बिफोर कैसा था एंड आफ्टर मेकओवर कैसे लग रहे हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड इफ़ यू लाइक आर चैनल आर कृष्ण फैमिली एंड दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।